हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रूपा कौशिक फ्रॉम सूरत स्कूल मेंदुगढ़। आज का जो विषय है वो हमारा हिंदी है, कक्षा दूसरी, पार्ट नंबर 6, घुंघरू वाली रेख। इसके जो पार्ट के जो पात्र हैं वो कौन कौन से? मीतू, ध्रुव, रोली और सुहानी और उसकी माँ। आज इसमें हम सुहानी का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। अब सुहानी जो है एक ऐसी लड़की है जो आंखों से देख नहीं सकती, परंतु उसके सुनने की और सुनने की शक्ति बहुत तेज है। उसकी माँ रसोई घर में उसके लिए एक चॉकलेट केक बना रही है, जिसकी खुशबू को सूंघती सूंघती वो रसोई घर में जाती है और अपनी माँ से पूछती है कि माँ आज आप क्या बना रहे हो। तो उसकी माँ उसको उत्तर देती है कि आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद केक, चॉकलेट का केक बना रही हूँ। तो सुहानी बोलती है, माँ ये केक मुझे ही नहीं मेरे मित्रों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सुहानी की माँ उसको बोलती है, ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी काम करो ताकि हम कमरे की तैयार जन्मदिन के लिए कमरे की तैयारी कर सकें। जैसे ही वो रसोई घर में पकवान और केक बनाकर रखती है तो वो दोनों माँ बेटी मिलकर कमरे को सजाती हैं। सुहानी अपनी माँ की मदद गुब्बारे फुलाने में करती है। अब वो पूरे कमरे को डेकोरेट सजा कर बाहर आ जाती है। उसी टाइम थोड़ी देर बाद ही उसके जो मित्र थे वो जन्मदिन पर आने शुरू हो जाते हैं। उसके जो मित्र थे वो उसके लिए बहुत सुंदर सुंदर उपहार लेकर आते हैं। जो सुहानी की जो मित्र थे उसमें जो ध्रुव था वो उसके लिए एक गेंद लेकर आता है। उसकी जो मित्र है दूसरी मीतू, वो उसके लिए ये फूलों का गुलदस्ता लेके आती है जिसमें गुलाब और रजनीगंधा के फूल थे। सुहानी को ये फूल बहुत ज़्यादा पसंद थे। रोली उसके लिए घुंघरू वाली रिंग लेकर आती है। अब वो जन्मदिन मनाती है, सभी मिलकर जन्मदिन मनाते हैं। सुहानी अपनी माँ की मदद से केक को काटती है और सभी को खाने पीने की चीज़ें खाकर, केक खाकर, सब चीज़ों को खाने के बाद वो सभी मित्र बाहर घर के बगीचे में खेलने के लिए चले जाते हैं। अब जो उसका मित्र था ध्रुव, वो उसको गेंद से खेलने के लिए कहता है। अब वो सभी गेंद से खेलने लग जाते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर गेंद उछालने लगते हैं, परंतु सुहानी गेंद को देख नहीं सकती थी इसलिए वो कोने में जाकर खड़ी हो जाती है। अब उसकी जो दूसरी मित्र थी रोली, वो ये चीज़ों को देख रही थी, तभी वो आती है और उस गेंद वाली गेम को बंद करने के लिए कहती है और कहती है कि अब हम घुंघरू वाली रिंग से खेलेंगे। अब सभी एक गोल घेरा बनाते हैं और एक दूसरे को घुंघरू वाली रिंग पकड़ा पकड़ा कर खेलते हैं। अब सुहानी के सुनने की शक्ति बहुत तेज थी, वो घुंघरू की आवाज़ को सुनकर जो रिंग थी वो पकड़ लिया करती थी। इस खेल में वो एक बार भी आउट नहीं होती। यह सब देख कर यह सब वो बहुत खुश होती है और बार बार इस गेम को रिपीट करने के बाद, खेलने के बाद जब ये खेल समाप्त होता है तो अंत में सभी जो उसके मित्र थे और उसकी जो मम्मी थी उसके लिए तालियां बजाते हैं, क्योंकि वो एक बार भी इस खेल में आउट नहीं हुई थी। सुहानी भी बहुत खुश थी इस गेम को खेल के। अब ये खेल उसका मनपसंदा खेल बन गया था। इसी पार्ट के मैंने कुछ नए शब्द दे रखे हैं जो इस प्रकार हैं। महक का मतलब होता है खुशबू या फिर सुगंध। मदद का मतलब होता है सहायता। उपहार, तोहफा या फिर भेंट। स्वादिष्ट, अच्छे स्वाद वाली कोई भी अच्छे स्वाद वाली चीज। दिशा में और या फिर तरफ। अब है इस पार्ट के मुख्य प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, रसोई घर से किस चीज की महक आ रही थी? मैंने आपको कहानी बताया था कि रसोई घर से चॉकलेट केक बनाने की महक आ रही थी। प्रश्न नंबर 2 में आता है, दावत के बाद बच्चों ने क्या किया? अब उत्तर में आता है कि दावत के बाद बच्चे बाहर बगीचे में खेलने के लिए गए। प्रश्न नंबर 3, सुहानी गेंद को क्यों नहीं पकड़ पा रही थी? क्योंकि सुहानी गेंद को देख नहीं सकती थी इसलिए वो गेंद को पकड़ नहीं पा रही थी। ये आपके इस पाठ के कुछ मुख्य प्रश्न थे। आई होप कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो आगे मैं इसके आपको लिखे प्रश्न करवाऊंगी। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।